ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? चलिए, एमएस ऑफिस हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। एमएस ऑफिस के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो एमएस ऑफिस में आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहले आपको देखना है एमएस वर्ड, जो कि हमने अपनी लास्ट दो क्लासेस में कवर किया। बहुत अच्छे तरीके से डीप में सारा कुछ हमने पढ़ा है, और मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि जितना कुछ भी हमने एमएस वर्ड में अपनी क्लासेस में पढ़ा है, आपको किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाहर से आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो जितना डीपली, जितना थॉरोली हमने क्या पढ़ा है, आपका एमएस वर्ड पढ़ा है, उसी तरीके से आज की क्लास हम आगे कर रहे हैं। और आज की क्लास क्या है हमारी? एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये जितना भी हम यहाँ पास, आप लोगों को सबसे पहले तो क्या ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी हम एमएस ऑफिस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, सभी के सभी क्या है, सबसे पहले आपको क्या रखना है, सभी के सभी क्या है, आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। और बताइए एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? सूट है। क्या है? पैकेज है। क्यों कहते हैं एमएस ऑफिस को पैकेज सॉफ्टवेयर या सूट सॉफ्टवेयर? क्योंकि इसके अंतर्गत अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं, जो कि इसके अंतर्गत एमएस ऑफिस के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसलिए एमएस ऑफिस को सॉफ्टवेयर का पैकेज या सॉफ्टवेयर सूट कहा जाता है। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक क्या है? एमएस पावर पॉइंट। चलिए तो जी, आप बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एमएस पावर पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले समझिएगा एमएस पावर पॉइंट होता क्या है। एमएस पावर पॉइंट एक एमएस ऑफिस का एक भाग है। क्या है? एमएस पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का क्या है? एक भाग है। इसके बाद में एमएस पावर पॉइंट एक प्रकार का क्या है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हमारे पास में अब क्या एक वर्ड आ गया, आज एक नया वर्ड आ गया, वो क्या आ गया? प्रेजेंटेशन। देखिए, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? एमएस वर्ड पढ़ रहे थे। एमएस वर्ड क्यों पढ़ रहे थे? कि जो भी हमको डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्य करना था, किसी एक डॉक्यूमेंट को तैयार करना, उसमें किसी प्रकार की एडिटिंग करना या उसमें किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग करना, सारा का सारा हम किसमें काम कर रहे थे? एमएस वर्ड में कर रहे थे। अब क्या होता है कि एमएस वर्ड में क्या कर सकते हैं, आप एक डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं, लेकिन किसी डॉक्यूमेंट को या आपने जो कुछ भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, या आप जो कुछ भी इमेज या जो कुछ भी आप फाइल तैयार करना चाहते हो, उसको आप लोगों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, अर्थात या आपके सामने क्या होंगे, आप होंगे वक्ता और आपके सामने बैठे होंगे श्रोता। तो क्या करना चाह रहे हो कि आप जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपके कार्य हैं, आगामी कार्य मीटिंग है, मान लीजिए आपका कोई एजेंडा है, तो कुछ आपको ऐसा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है कि उस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद में उसको क्या कर पाओ, आप उस डॉक्यूमेंट को एक माध्यम से प्रस्तुत कर पाओ। सपोज क्या है कि आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर लिखी जाती है, जब कोई मूवी लिखी जाती है तो पहले उसकी पटकथा, क्या उसकी उसकी एक पूरी की पूरी एक कहानी तैयार की जाती है, और कहानी तैयार करने के बाद में आप जो व्यक्ति होता है, जो राइटर होता है, वो जाता है प्रोड्यूसर के पास में, डायरेक्टर के पास में। डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या करते हैं कि वो जो राइटर होता है उसकी कहानी को सुनता है, और फिर वो जो कहानी लिखी हुई होती है उसकी कहानी को क्या करता है, उसको आपको चलचित्र में, अर्थात उसको किसमें किसके माध्यम से, इमेज और वीडियो के, ऑडियो के माध्यम से सबको जोड़ के, ऑडियो को वीडियो को इमेज को तैयार करके क्या बनता है, एक प्रकार का एक ग्राफिक्स बनता है। ग्राफिक्स क्या होता है? चित्र और ऑडियो और वीडियो क्या होता है? समूह होता है। तो इस प्रकार से क्या होती है, मूवी तैयार होती है, और वो जो कहानी जिसको हमने पेपर में रिटन रूप से लिखा हुआ था, तो उसको हमने क्या दे दिया, उसको हमने एक ग्राफिक का रूप दे दिया। जब उसको हमने ग्राफिक का रूप दे दिया, तो क्या कर रहे हैं फिर, उसको हम आगे प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आप लोग एक मूवी देखते हो। तो जो आप एक मूवी देख रहे हैं, सबसे पहले उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, उसको लिखित रूप से लिखने से हुई थी, और फाइनली आपने देखा क्या, उसको हॉल में जा करके एक मूवी के रूप में आपने देखा। तो यदि आपको जो मूवी आपको दिखाई जा रही है हॉल में आपने देखी, यदि सपोज करिए कि वही मूवी आपको सुना दी जाती, तो आपको उतना मजा नहीं आता। मजा क्यों आया, क्योंकि उसके अंदर क्या किया गया, बहुत सारे इमेज, बहुत सारे ऑडियो, अलग अलग तरह की उसमें वॉइस जोड़ी गई, उसमें अलग तरह के वीडियो और एनिमेशन जोड़े गए, अलग अलग तरह के उसमें इफेक्ट्स जोड़े गए। तो क्या हुआ कि आपने जो कुछ भी तैयार किया था, जो भी आपका रिटर्न वर्क था, उसको एक मजेदार तरीके से लोगों को प्रस्तुत करने के लिए क्या एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया, उसका नाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है? एमएस ऑफिस का एक भाग होता है, और ये क्या होता है, एक प्रकार का ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। समझ में आ रहा है? इसके बाद में देखो, इसका उपयोग बिजनेस स्लाइड तैयार करने के लिए किया जाता है। बेसिकली जो होता है ना आपका, इसका उपयोग कहां होता है? बिजनेस पर्पस से होता है। क्यों होता है? आप लोगों ने सभी इससे परिचित होंगे, आपने कॉलेज में भी प्रेजेंटेशन देखा होगा, अपने स्कूल में भी प्रेजेंटेशन देखा होगा। तो
तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से क्या होता है, आप इसको मूवी को उसको आप प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का नाटक बोल लीजिए, मूवी बोल लीजिए, जहां एक वक्ता कुछ प्रस्तुत कर रहा होता है और श्रोतागण बैठे होते हैं, वह उसको तो वक्ता श्रोताओं को कुछ समझा रहा होता है या कुछ दिखा रहा होता है अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी प्रस्तुति के माध्यम से। तो चलिए, तो ये क्या है आपका, सबसे पहले याद रखना कि आपका जो एमएस पावर पॉइंट क्या है, ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको क्या बताना है कि ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या है, सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपका एमएस पावर पॉइंट है वह क्या है, एक प्रकार का प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद में जो आपको मैं हर क्लास में बेसिक बताते जा रहा हूं, मतलब जो हम एमएस ऑफिस स्टार्ट किए थे उस दिन भी मैंने आपको बताया था, एमएस वर्ड की जब स्टार्टिंग की है तब भी मैंने आपको बताया था कि एमएस ऑफिस की बात कर लें या एमएस वर्ड की बात कर लें और आज बात कर रहे हैं एमएस पावर पॉइंट की। ये कैसा है, ये आप बताएंगे, जीयूआई, जीयूआई अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यदि आप लोगों में से किसी को भी जीयूआई का अर्थ नहीं पता है, इसका मतलब आप मेरी क्लासेस को सिक्वेंस से नहीं देख रहे हैं। यदि आपने एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर को देखा होता तो आपको जीयूआई बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने वहां पर डिस्क्राइब किया है। यदि आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा, जिन लोगों ने देखा है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जीयूआई और सीयूआई क्या होता है। तो जो आपका एमएस पावर पॉइंट है ये क्या है, जीयूआई बेस्ड क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बात नंबर दूसरी हो गई, पहला क्या हो गया, एमएस पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है। सेकेंड नंबर पर हमने क्या देखा, ये क्या है आपका, एक जीयूआई अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद में क्या है, इसका अधिकतर उपयोग कहां किया जाता है, बिजनेस पर्पस से किया जाता है। पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट, पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन। यहां बहुत ध्यान से दीजिएगा, अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आपने देखा होगा कि आपके पास में क्या था, एक पेज, पेज में क्या करते हो, आप काम करते हो और विभिन्न पेजों के समूह जो होते हैं, विभिन्न पेजों के समूह से क्या बनता है, तो आप बताओगे क्या बनता था, आपके पास में एक डॉक्यूमेंट बनता था। डॉक्यूमेंट क्या था, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत विभिन्न पेज शामिल होते थे। ठीक उसी तरह से ये बात किसमें थी, ये एमएस वर्ड में हो रही थी। यदि अब हम बात किसमें कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं एमएस पावर पॉइंट। तो जहां कहीं भी अब आगे पावर पॉइंट का यूज होगा वहां पास मैं इसको क्या लिखूंगा, पीपीटी। पावर पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पीपीटी। बात करते हैं पीपीटी की, तो देखो आपके एमएस वर्ड में जो पेज था वो पेज क्या था कि वो एक आपका सबसे बेसिक या हम बात करें मुख्य भाग था, जिसमें कि आप जो कुछ भी लिखते थे तो वो पेज में करते थे। अब आपने एक पेज तैयार किया, दो पेज तैयार किया, तीन पेज तैयार किया, तो तीन पेज के बाद में आपका काम पूरा हो गया तो तीनों पेजों को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, अर्थात तीनों पेजों का समूह क्या कहलाता था, आपका एक बनके डॉक्यूमेंट तैयार होता था। ठीक उसी तरह से यहां पास में क्या होगा कि जब आप बात करोगे एमएस पावर पॉइंट में, तो एमएस पावर पॉइंट में जो यहां पास जो आपका सबसे बेसिक या आपका मूलभूत पार्ट था क्या था, आपका पेज था। तो याद रखना कि यहां पास में एक शब्द आता है, वो क्या होता है, स्लाइड। स्लाइड क्या होता है, ये आपके एमएस पावर पॉइंट में सबसे बेसिक भाग होता है, अभी आगे इसको हम और समझेंगे। स्लाइड, और स्लाइड से विभिन्न प्रकार की स्लाइड से मिलकर क्या बनता है, विभिन्न प्रकार की स्लाइड मिलकर बनाते हैं क्या, आपका प्रेजेंटेशन। क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन। ये आपको समझ में आ रहा है, चलिए। तो ये क्या हो गया आपका, प्रेजेंटेशन। मतलब आपको समझ में आ पा रहा है ना, एमएस वर्ड में हमको जो कुछ भी काम करना था हम पहले पेज में करते थे और विभिन्न पेजों के समूह को हम क्या बोलते थे, डॉक्यूमेंट बोलते थे। ठीक उसी तरह से हमको अब एमएस पावर पॉइंट में जो कुछ भी काम करना होगा, हमारा बेसिक या मूलभूत काम किसमें होगा, स्लाइड में होगा। अब आप एक स्लाइड बनाओ, चाहे आप एक से अधिक स्लाइड बनाओ, आपका जितना मन, उन सभी स्लाइड के समूह को क्या कहेंगे, आप कहेंगे प्रेजेंटेशन। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा है कि आपके एमएस पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। पावर पॉइंट फाइल में एक्सटेंशन क्या होता है, पीपीटी होता है, या तो क्या होता है, डॉट पीपीटी एक्स होता है। एक क्या होता है, डॉट पीपीटी होता है, और दूसरा क्या होता है, डॉट पीपीटी एक्स होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, वहां पास मैंने आपको क्या बताया था, जो आप लास्ट क्लास में आप पढ़ रहे थे, तो डॉट वहां पास क्या था, वहां डॉट डीओसी था, और क्या था, डॉट डीओसी एक्स था। तो वहां पास यदि आपको याद आ रहा होगा तो मैंने आपको बताया था, जितने भी एमएस ऑफिस के 2003 तक के वर्जन में, कब के, एमएस ऑफिस के, एमएस ऑफिस के जितने भी वर्जन है, कब तक के, 2003 तक के वर्जन में आप क्या यूज करेंगे, डॉट पीपीटी
.ppt और जो भी वर्जन आपके 2007 से, तो क्या बोलोगे आप? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या? से। कब से? 2007 से जितने भी वर्जन हैं आज तक, उनमें आप क्या यूज करते हैं? .ppt के बाद में क्या लगाते हो आप? x लगाते हो। चाहे आप बात कर लो किसमें, डॉक्यूमेंट के लिए बात कर लो, चाहे आप बात कर लो पीपीटी के लिए, और आगे आप पढ़ोगे एक्सेल शीट, तो वहां पास भी आप क्या करोगे? एक्स लगाओगे। तो जहां भी लास्ट में एक्स लग रहा है, वो उसकी शुरुआत कब से हो रही है? 2007 के वर्जन से स्टार्ट हो रही है। किसके? एमएस ऑफिस के 2007 के वर्जन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? फाइल एक्सटेंशन हो गया। लास्ट क्लास में मैंने आपको फिर बताया था कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। सपोज मान लीजिए कि आपने एक फाइल बनाई, उसका नाम क्या है, आपने क्या बनाया, क्या आपने सपोज कुछ भी बना लिया, ये नाम दे दीजिए कि इसको आपने बना लिया एजेंडा, एजेंडा डॉट पीपीटी एक्स। आपने क्या किया, एक एमएस पावर पॉइंट में आपने एक क्या बनाया, एक प्रेजेंटेशन बनाया। तो जब आप प्रेजेंटेशन बनाओगे तो आपने उस प्रेजेंटेशन, उस फाइल को एक नाम दिया, तो उसमें आपने उसको नाम दिया एजेंडा डॉट पीपीटी एक्स। तो यहां याद रखना, आप यहां पर सिर्फ एक ही काम करोगे। जब आप एमएस पावर पॉइंट में कुछ काम करके एक फाइल तैयार करोगे, तो फाइल तैयार होने के बाद में जब आप उस फाइल को कहीं सेव करोगे, तो वो आपसे पूछता है कि कहां सेव करना है और आपको अपनी फाइल का क्या नाम देना है। तो सिर्फ आप क्या, आप यदि आप पीपीटी में कोई काम किया है, आपने कोई एमएस पावर पॉइंट पे काम किया है, तो आप क्या करते हो, सिर्फ आप इतना ही नाम देते हो। क्या आपको नाम देना था अपनी फाइल का, तो आपने क्या दिया नाम एजेंडा। ये डॉट पीपीटी एक्स होता है ना, ये ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, ये आपको टाइप नहीं करना पड़ता है। आपने एमएस पावर पॉइंट में कुछ आपने प्रेजेंटेशन तैयार करी, प्रेजेंटेशन तैयार होने के बाद में आप उसको कहीं सेव किए होंगे, किसी ने किसी फोल्डर में सेव किए होंगे। जब प्रेजेंटेशन तैयार होने के बाद में उसको आप सेव एस करते हो, तो क्या करते हो, आपसे लोकेशन पूछता है और फाइल का नाम पूछता है कि आपको किस फाइल, उस फाइल को किस नाम से और किस लोकेशन पे सेव करना है। तो आपको जब फाइल का नाम दोगे ना, तो सिर्फ आप ये वाला नाम देते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइल नेम। ये क्या है आपका? फाइल नेम है। और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है डॉट पीपीटीएक्स, ये क्या है आपका? फाइल एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन। तो ये जो फाइल एक्सटेंशन होता है, ये आपको नहीं देना होता है, ये ऑटोमेटिक क्या होता है, जिस भी सॉफ्टवेयर में आपका आप काम कर रहे हो, ऑटोमेटिक उसके बाद में ये जुड़ जाता है। अर्थात सपोज मान लीजिए कि आपके पास में फोल्डर में दो तीन प्रकार की फाइलें हैं। एक फाइल में क्या लिखा हुआ है, एक फाइल में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड डॉट docx लिखा हुआ है। और दूसरी फाइल में क्या लिखा हुआ है, एजेंडा। दूसरी फाइल में क्या लिखा हुआ है, एजेंडा डॉट पीपीटी, डॉट पीपीटी एक्स। तो जो भी व्यक्ति कंप्यूटर को जानने वाला होगा, वो तुरंत पकड़ लेगा, वो बताएगा कि भाई ये जो आपकी पहली वाली फाइल है, ये आपकी एमएस वर्ड पे काम किया हुआ है, अर्थात क्या है वो, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट फाइल है। और जो, और ये आपको पीपीटी एक्स देखेगा, तो ये तुरंत क्या बोलेगा, ये एक प्रकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल है। तो एक्सटेंशन से हमको क्या मालूम पड़ता है कि जो संबंधित फाइल है वो किस में तैयार की गई है, एमएस वर्ड में तैयार की गई है, एमएस पावर पॉइंट में तैयार की गई है, या एमएस एक्सेल में की गई है। तो चलिए ये सब क्या हो गया आपका, एमएस पावर पॉइंट के बारे में बेसिक हो गया। इसके बाद में इसको आप नोट कर लीजिएगा यदि आपको नोट करना हो तो। और इसके बाद में इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे और लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। देखिए, पावर पॉइंट फाइल को खोलने के लिए, या हम बोलेंगे पावर पॉइंट फाइल को रन कराने के लिए, क्या रन कराने के लिए क्या करोगे आप, जिस कमांड का प्रयोग करते हो उस कमांड का नाम क्या होता है आप बताएंगे, क्या होता है पावर, देखो POVER पावर, PNT याद रखना, यहां पास में पीपीटी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहां पास में क्या है, PNT डॉट exe। किसी भी पावर पॉइंट फाइल को खोलने के लिए या रन कराने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो पावर पीएनटी डॉट ईएक्सई कमांड का, ये क्या है आपकी एक प्रकार की कमांड है, कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गई आपके एमएस पावर पॉइंट की मूलभूत बेसिक जानकारी हो गई, इसको नोट करें। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए चलो, तो ये क्या हो गया आपका एमएस पावर पॉइंट के बारे में बेसिक हो गया। अब देखिए यहां पास में यदि आपको दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा आपको जो इमेज यहां पास दिखाई दे रही होगी वो थोड़ी सी ब्लर हो रही होगी, फिर भी आपको जो मैं यहां समझाना चाहता हूं वह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको आपके टॉप साइड में, मतलब बाएं के सबसे ऊपरी भाग में देखो, यहां आपको फाइल दिखाई दे रहा है, फाइल दिखा आपको,
तो देखिए ये क्या है आपका, ये जो आपको पूरा का पूरा विंडो दिखाई दे रही है, ये आपको जो पूरा का पूरा लेआउट दिखाई दे रहा है, ये किसका है, एमएस पावर पॉइंट का। ये क्या है आपका, एमएस पावर पॉइंट का, एमएस पावर पॉइंट का जो आपको पूरा का पूरा विंडो का लेआउट दिखाई दे रहा है। जब भी आप कभी एमएस पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक लेआउट दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या देखना है, देखिए सारा कुछ जो डिटेलिंग है ना, हमने अधिकतर पोर्शन अपने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है। अब आगे क्या होगा कि हमको बार बार कुछ चीजों का रिपीटेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए ये क्या है आपका फाइल मेन्यू है, इसके बाद में ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं रिवन, इसके बाद में ये टाइटल बार, आपको पता है कि टाइटल बार का मतलब क्या होता है कि जिस जो भी हम काम कर रहे होते हैं वहां पास में क्या है उसके संबंध में उसका नाम बताता है, उस फाइल का नाम बताता है कि जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं उस फाइल का नाम क्या है। जिसमें यहाँ पास देखो लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन वन, क्या लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन वन। याद रखना आपको जब एमएस वर्ड पढ़ रहे थे, जब आप एमएस वर्ड पढ़ रहे थे तो बाय डिफॉल्ट किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम क्या था, डॉक्यूमेंट वन। जब आप एमएस वर्ड पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि बाय डिफॉल्ट किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है, तो आपने देखा था वहां पास डॉक्यूमेंट वन। ठीक उसी तरह से जब कभी भी आप किसी एमएस पावर पॉइंट पे काम करोगे तो किसी भी फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, याद रखना उसको नोट कर लेना, प्रेजेंटेशन वन। क्या होता है प्रेजेंटेशन वन, किसी भी एमएस पावर पॉइंट फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, प्रेजेंटेशन वन होता है। इसको आप नोट कर लें, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है चलिए, तो ये हो गया टाइटल बार, और इसके बाद में ये हो गया सारा का सारा रिबन। फिर आपने देखा होगा ये यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है होम इंसर्ट, यहाँ लिखा हुआ है डिजाइन, यहाँ पास लिखा हुआ है डिजाइन, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये लिखा हुआ है डिजाइन। फिर यहाँ पास लिखा हुआ है ट्रांजिशन, ये है आपका ट्रांजिशन, देखिएगा मैं इसको क्लियर करता हूं। देखिए ये आपका लिखा हुआ है यहां होम, ये होम लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है इंसर्ट, ये इंसर्ट है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिजाइन। फिर ये क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिशन लिखा हुआ है, ट्रांजिशन, ये लिखा हुआ है एनिमेशन, ये लिखा हुआ है स्लाइड शो, ये लिखा हुआ है रिव्यू, और क्या लिखा हुआ है व्यू। तो बताइए, देखिए सबसे पहले क्या इसको ग्यारह पोर्शन क्या कहलाता है, रिवन। रिवन के अंदर क्या होते हैं, टैब होते हैं। तो इसमें कौन कौन से टैब हैं, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू है और व्यू है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एमएस पावर पॉइंट का टैब नहीं है, तो आपको ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन आपको चिपका देगा, कहेगा एमएस वर्ड का चिपका सकता है साथ में या एमएस एक्सेल का। तो आप जब भी एमएस वर्ड पढ़ रहे हो, एमएस पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेल, बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि संबंधित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कितने टैब होते हैं और कौन कौन से टैब होते हैं। तो हमने अपनी लास्ट क्लास एमएस वर्ड में देखा था कि हमारे पास वहां पास कितने टैब थे, सात प्रकार के टैब थे। अब यहाँ कितने हो गए, देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। तो एमएस पावर पॉइंट में क्या हुआ है, आपका एक टैब बढ़ गया है। एमएस वर्ड में सात टैब थे, हमारे पास यहाँ पास में एक टैब बढ़ के कितना हो गया है, आठ। अर्थात एमएस पावर पॉइंट में कुल कितने टैब होते हैं, तो आप बताएंगे आठ टैब होते हैं। इसके बाद में चलिए अब क्या करते हैं कि हम एक एक टैब को आगे क्लियर करते हैं, ये आपको समझ में आ रहा है। अच्छा इसके बाद में यहाँ पास देखिए जो इंपॉर्टेंट आपको और दिखाना है, ये तो आपने देख लिया रिबन, रिबन के अंदर आपने टैब देख लिया। अब क्या होता है, हर टैब के अंदर क्या होते हैं, टूल होते हैं। जैसे यदि आपको दिख रहा होगा ये आपका क्या है, होम टैब है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, देखिए होम टैब के अंदर क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शायद ब्लर हो रहा है, ये लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, ये लिखा हुआ है क्या आपका स्लाइड, फॉन्ट, और ये लिखा हुआ है पैराग्राफ, और ये लिखा हुआ है ड्रॉइंग, और ये लिखा हुआ है एडिटिंग। तो इसमें बहुत सारे फीचर जो एमएस वर्ड में होते हैं वो और इसमें और उसमें दोनों क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो हमको एमएस पावर पॉइंट की आज की क्लास में सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। और जो जैसे सपोज क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड में क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट होता है, फॉर्मेट प्रिंटर होता है। तो ये सारा का सारा आप कुछ लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं एमएस वर्ड में, तो दोबारा से आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से आपका जो पैराग्राफ है ये भी आप पढ़ चुके हो अपनी लास्ट क्लास में, फॉन्ट को भी आप पढ़ चुके हो अपनी लास्ट क्लास में। जो इसमें से आपको होम टैब में से जो समझाना होगा, जो पढ़ाना होगा, मैं आपको अलग से बताऊंगा। और इसी प्रकार से एडिटिंग को भी आप देख चुके हैं, जो नया जुड़ा है उसका नाम क्या है इसमें, ड्रॉइंग। क्या नया जुड़ा है, ड्रॉइंग। तो ये तो क्या हो गया आपका टैब, और उसके अंतर्गत टूल्स हो गए। तो देखिए ये क्या, सबसे पहले ये हो गया रिबन, रिबन में क्या होते हैं, टैब होते हैं।
टैब के अंदर क्या होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप, इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप या ब्लॉक। ये क्या है, ग्रुप या ब्लॉक। और ग्रुप या ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट लेसन बताया भी था। अब देखिए इसके बाद में यहां पास में क्या है, ये आपको ये इस प्रकार की एक विंडो दिखाई दे रही है ये, और इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट कलर का एक आपको पेज दिखाई दे रहा है। यही क्या होता है आपको, यही क्या है, ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है इसे ही हम कहते हैं स्लाइड। ये क्या है, स्लाइड। ये आपके एमएस पावर पॉइंट का सबसे मुख्य सबसे मेन भाग होता है क्या, आपका स्लाइड। और इस स्लाइड के अंदर आपको ये जो दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्लाइड के अंदर आपको दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं प्लेस होल्डर। क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली यहां से प्रश्न पूछता है। तो ये क्या है, पूरी की पूरी ये जो आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये जो आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, स्लाइड है। और इस स्लाइड के अंदर क्या है, प्लेस होल्डर है। अर्थात क्या है, देखिए यहां पास आपको दिखाई दे रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल, और यहां पास में क्या लिखा हुआ है, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो इस प्रकार से आपको यहां पास दो प्लेस होल्डर दिखाई दे रहे हैं। तो प्लेस होल्डर किसका भाग होता है, स्लाइड का भाग होता है। और जो कुछ भी क्या करना है आपको, लिखना है जो कुछ भी आपको, इसमें टेक्स्ट करना है आपको, इसमें इमेज को इंसर्ट करवाना है, जो कुछ भी काम करना है वो किसमें करोगे, आप इस प्लेस होल्डर में करोगे। ये क्या होता है, आपका प्लेस होल्डर। इसके बाद में देखिए नीचे क्या आता है, अच्छा यहाँ पास देखिए ये इसका एक पोर्शन ये हो गया। अब क्या होता है, आपको यहाँ पास में एक पोर्शन और दिखाई देता है इस प्रकार से, ये देखिएगा, ये आपको एक पोर्शन यहाँ और दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पास में क्या होता है कि वर्तमान में इस प्रकार से क्या रहता है, यहाँ पास देखिए ये लिखा हुआ है वन, ये क्या दिखाता है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये दिखाता है आपको स्लाइड की लिस्ट, स्लाइड लिस्ट। ये क्या होता है, स्लाइड लिस्ट एरिया होता है। यहाँ पास वन लिखा हुआ है, यदि आपके पास में दो स्लाइड होती तो यहाँ पास में क्या होता, एक इस प्रकार से और एक दिखाता, अर्थात आपके इस फाइल में, आपकी इस प्रेजेंटेशन में कितनी स्लाइड्स हैं, तीन हैं, पांच हैं, दस हैं, वो सारी की सारी कहाँ शो होती हैं, वो आपके यहाँ पास शो होती हैं इस प्रकार से। जितनी भी स्लाइड होंगी वो आपको इस एरिया में शो होती है, इसका नाम क्या होता है, स्लाइड लिस्ट एरिया होता है। ये आपको समझना है। अब इसके बाद में जैसा कि आपका पिछले आपने एमएस वर्ड में देखा होगा, वहां भी नीचे आपको ये टास्क बार में दिखाई दे रहा होगा। टास्क बार में यहाँ पास में क्या होता था, वहां भी व्यू था और यहाँ भी क्या है, आपका स्लाइड व्यू, वहां पास क्या था, आपका पेज व्यू था। इसके बाद में यहाँ पास में क्या है, यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा है जूम, क्या, जूम ऑप्शन। तो ये सब कुछ आपने पढ़ लिया है, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। तो जितनी भी चीजें कॉमन होती है वह मैं आपको आज नहीं बताऊंगा। एमएस पावर पॉइंट से संबंधित जो भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, सिर्फ आज हम उनको उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको आपको नोट करना हो तो कुछ करिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो एमएस पावर पॉइंट का जितना भी ओवर लेआउट का ओवरव्यू होता है वो हमने देख लिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको एमएस पावर पॉइंट में हम अब क्या कवर करने वाले हैं। जितने भी इसके टैब होते हैं, होम टैब है, इंसर्ट है, डिजाइन है, तो एक एक करके जितने भी टैब होते हैं उनको कवर करेंगे। उनके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक है या जो ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी टूल हैं उनको कवर करेंगे। तो देखिए अब आगे क्या है। तो अब आता है हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, स्लाइड। ये स्लाइड होता क्या है, जैसा कि आपका एमएस वर्ड में पेज था, सेम क्या है, आपके एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड होता है। एमएस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में प्रत्येक पेज को, किसको, प्रत्येक पेज को स्लाइड कहते हैं। यह एमएस पावर पॉइंट का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ये मैंने आपको बता चुका हूं। फिर प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट स्लाइड पर बने आयताकार बॉक्स होते हैं जिनकी सहायता से एक स्लाइड में टेक्स्ट या अन्य ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराया जाता है। याद रखिएगा, क्या, आपके टेक्स्ट या अन्य ऑब्जेक्ट को इंसर्ट या इनपुट कराया जाता है। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आपके पास में आता है, उसको आप समझना, हैंड आउट है। देखिए हैंड आउट क्या होता है, जो कुछ भी एक व्यक्ति प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहता है, तो वो जो आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा है उसी का एक प्रिंट आउट, जो कुछ भी वो आपको दिखाने वाला है उसी का एक प्रिंट आउट वो क्या करेगा, जो लोग प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं उनको पहले से मार्क देगा। तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रेजेंटेशन हैंड आउट कहलाता है। याद रखिएगा, क्या, हैंड आउट, मतलब प्रेजेंटेशन के पहले ही आपकी प्रेजेंटेशन का प्रिंट करवा के वह लोगों को बांट देगा। किन लोगों को बांट देगा, जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो एक प्रेजेंटेशन के दौरान श्रोताओं में बांटे गए प्रिंट आउट होते हैं जिन पर सभी स्लाइड का क्या होता है, प्रिंट होता है। हैंड आउट में ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, हैंड आउट में एक से छह तक स्लाइड्स को
एक पेज में प्रिंट किया जा सकता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एक हैंड आउट में मैक्सिमम कितनी स्लाइड्स को प्रिंट किया जा सकता है, तो आप बताओगे 6। कितनी मैक्सिमम 6 और मिनिमम 1, इसमें आपके एक पेज में, एक पेज में मैक्सिमम 6 स्लाइड को प्रिंट किया जा सकता है। इसके बाद में आपके पास में आता है प्रेजेंटेशन फाइल। ये क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के समूह को क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। चलिए तो ये सब क्या हो गया, आपका बेसिक जानकारी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आता है कि आपसे पूछ लेगा टैब्स इन एमएस पावर पॉइंट। तो इसके पहले अभी मैंने आपको बताया है कि आपके एमएस पावर पॉइंट में कितने टैब होते हैं, कुल 8 टैब होते हैं। डायरेक्टली यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। पहली चीज, कौन कौन से टैब होते हैं, होम होता है, इंसर्ट होता है, डिजाइन होता है, ट्रांजिशन होता है, एनिमेशन होता है, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। यदि आपको ध्यान में आ रहा होगा, जब आपने एमएस वर्ड पढ़ा था, एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड में क्या था, आपके पास में होम था, इसके बाद में आपके पास में इंसर्ट था, इंसर्ट के बाद में आपके पास में एक आ गया था क्या, आपका पेज लेआउट, क्या आ गया था, पेज लेआउट, पेज लेआउट था। इसके बाद में आपके पास में एक था रिफरेंस, क्या था, रिफरेंस था। और क्या था बताओ आप, इसके बाद में आपका था एक, आपके पास में था मेलिंग, मेलिंग। और क्या था आपके पास में था, प्रीव्यू, या इसको हम क्या कहेंगे, रिव्यू, रिव्यू था। और आपके पास में क्या था, एक था आपके पास में व्यू। तो यहां से आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा, क्या अलग दिखाई दे रहा है, देखिए ये होम, होम और इंसर्ट क्या है, दोनों में कॉमन है। ये आपको दिखाई दे रहा है पेज लेआउट, जो कि आपके एमएस पावर पॉइंट में नहीं है। तो पेज लेआउट की जगह पे क्या आ गया है, तीसरे नंबर पे आ गया आपका डिजाइन, क्या आ गया है, डिजाइन। तो याद रखना, एमएस वर्ड में जो पेज लेआउट ऑप्शन था, उसको एमएस पावर पॉइंट से किससे रिप्लेस किए हैं, तो आप बताओगे डिजाइन ऑप्शन से रिप्लेस किए हैं। जो काम एमएस वर्ड में पेज लेआउट कर रहा था, पेज सेटिंग का काम, वो कौन करेगा, आपके एमएस पावर पॉइंट में डिजाइन ऑप्शन करता है। एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में हम जब एमएस पावर पॉइंट पढ़ रहे होंगे, तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो इन 4 टैब पे होगा। किस पे होगा, डिजाइन पे होगा, ट्रांजिशन पे होगा, एनिमेशन पे होगा, स्लाइड शो पे होगा, और यहां से क्वेश्चन बनता है व्यू से। व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हम डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो और व्यू को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब एक एक करके अपने अपने क्या करते हैं, होम टैब टैब को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा, होम टैब आएगा। ये देखिए, ये क्या आ गया आपके पास में, सबसे पहले होम टैब। तो होम टैब में देखिए, सबसे पहले आपके पास में, यदि आप पिछली इसमें देखेंगे, तो देखिए ये क्या है आपका होम टैब। यदि आपको होम टैब दिखाई दे रहा होगा, तो यहां पास गौर करिएगा, इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। तो देखो, एक है आपका क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के बाद में क्या है, स्लाइड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्रॉइंग है और एडिटिंग है। तो इन पूरे ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको समझना है, वो है, होता है आपका ब्लॉक नंबर स्लाइड। बाकी सारा कुछ जो आप प्रीवियस क्लास में देखे हैं, लगभग लगभग सब कुछ क्या होता है, सेम होता है, छोटे मोटे बदलाव के साथ में। तो हमको उनको नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है केवल। तो क्या पढ़ना है हमको, आपके होम टैब के अंतर्गत हमको पढ़ना है स्लाइड, ठीक है जी। तो चलिए, होम टैब के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, स्लाइड पढ़ेंगे। आइए इधर, तो अब क्या आ गया आपका होम टैब। होम टैब में क्या पढ़ना है आपको, स्लाइड। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। अब जब आप होम टैब के अंतर्गत स्लाइड वाले में जाओगे, तो आपको एक वहां पर टूल मिलेगा। वो टूल क्या मिलता है आपको, आपको जो टूल मिलेगा, देखिएगा यहां आपको दिख जाएगा, देखिए यहां आपको दिख रहा होगा, देखिए ये क्या है आपका स्लाइड। और इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, यहां पास में एक दिख रहा है न्यू स्लाइड, दिखाई दे रहा है न्यू स्लाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके शॉर्टकट किसी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा, जब आप होम टैब के अंतर्गत स्लाइड में आओगे, तो यहां पास में एक ऑप्शन बनता है न्यू स्लाइड का, किसका, न्यू स्लाइड का। तो हमारे पास में देखिए दो चीजें आती हैं, एक हमारे पास में होता है कंट्रोल प्लस एन, और एक हमारे पास में क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम। ध्यान दीजिएगा, ये एमएस पावर पॉइंट में यही पास कंफ्यूजन खड़ा होता है, कंट्रोल प्लस एन में और कंट्रोल प्लस एम में। तो आपको यह ध्यान में देना है कि जो कंट्रोल प्लस एन क्या होता है, यह होता है एक नई प्रेजेंटेशन, एक नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। और जो आपका कंट्रोल प्लस एम होता है, यह क्या होता है, एक
नई स्लाइड, नहीं इसको आप ऐसे लिख लो, देखिए एक एक नई प्रेजेंटेशन में इसको आप लिख लो, वर्तमान वर्तमान प्रेजेंटेशन में, वर्तमान प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए, एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए। अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? कंट्रोल प्लस एन का मतलब क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा क्या कर रहे हो आप, एक नया प्रेजेंटेशन बनाने का काम कर रहे हो। मतलब क्या कि आपने फ्रेश रूप से एक पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन किया और एक नई प्रेजेंटेशन आप तैयार करना चाहते हो। और कंट्रोल प्लस एम में क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो कि ऑलरेडी आपने एक प्रेजेंटेशन बना रहे थे, अब उस प्रेजेंटेशन में आपको फिर से एक नई स्लाइड की आवश्यकता थी, अर्थात एक नए पेज की आवश्यकता थी। तो वो जो आप एमएस वर्ड पढ़ते थे जहां आपको इंसर्ट न्यू पेज करते थे, तो आपके एमएस पावर पॉइंट में एक आपको नया ऑप्शन मिलता है, वो क्या होता है आपका कंट्रोल प्लस एम। वो क्या होता है कि मौजूदा आपका वर्तमान में जिस जो प्रेजेंटेशन में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको एक नई स्लाइड की आवश्यकता है, तो उसको क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन में कंट्रोल प्लस एम दबाओगे। तो एग्जाम में यहां से कंफ्यूजन पैदा करता है, बहुत ध्यान रखिएगा। एम में क्या होगा कि जो वर्तमान आपकी प्रेजेंटेशन है उसमें एक नई फाइल, उसमें एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए, और एन में क्या होगा कि पूरा का पूरा एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। आ रही है बात समझ में? ये क्या होगा कि पूरा का पूरा नया रूप से काम करने के लिए, और जो पुराना काम चल रहा था कंट्रोल प्लस एम में, पुराना काम चल रहा था उसमें एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए। तो बहुत ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये क्या हो गया आपका स्लाइड, न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड कैसा कैसा होगा देखना, न्यू स्लाइड का मतलब क्या है, ये होता है आपका न्यू स्लाइड का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम। डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि किसी भी एमएस पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए किस आप शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे, तो आप बताओगे कंट्रोल प्लस एम, न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए। और कंट्रोल प्लस एम क्या होता है, ये आपका होता है न्यू प्रेजेंटेशन। हो रहा है क्लियर? तो न्यू प्रेजेंटेशन की बात करेगा तो कंट्रोल प्लस एन, और न्यू स्लाइड की बात करेगा तो क्या होगा कंट्रोल प्लस एम। चलिए ये तो क्या हो गया आपका स्लाइड वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद में आते हैं आपका डिजाइन टैब। मैं यहां आपको इंसर्ट टैब नहीं पढ़ा रहा हूं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूं। इंसर्ट टैब में हमने जो अपनी लास्ट क्लास में देखा था, सारे के सारे टूल्स यहां पास वही के वही है, कुछ भी यहां आपको नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए क्या करेंगे हम यहां पास डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आपके इंसर्ट को छोड़ करके हम सीधे कहां पहुंच रहे हैं, आपके डिजाइन टैब में पहुंच रहे हैं। फिर भी एक काम करते हैं, देखिए आपके ही होम टैब में ये क्या बताया मैंने आपको, कंट्रोल प्लस एन, और क्या बताया कंट्रोल प्लस एम, और इसके बाद में एक और आता है कंट्रोल प्लस डी। एन क्या होगा, न्यू प्रेजेंटेशन। कंट्रोल प्लस एम क्या होगा, न्यू स्लाइड। और बात कर ले किसकी, कंट्रोल प्लस डी की, तो क्या करेंगे स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए। सपोज आप किसी स्लाइड पे काम कर रहे थे, सेम स्लाइड आपको एक बार और चाहिए है, तो उस स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस डी। तो ये क्या होगा आपका डुप्लीकेट द स्लाइड, स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए। ये तीन क्या होती है आपकी महत्वपूर्ण शॉर्टकट की होती है होम टैब के अंतर्गत, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। चलिए तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं किस पे, आपके डिजाइन टैब में। इंसर्ट टैब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, यहां से आपको क्वेश्चन आता है किससे आता है, डिजाइन टैब से आता है। यह वर्ड में पेज लेआउट विकल्प के समान होता है, इसका उपयोग पेज को सेटअप करने और पेज की थीम बदलने के लिए किया जाता है। जैसे आपने लास्ट क्लास में देखा होगा पेज लेआउट, इसमें एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड में जो पेज लेआउट था तो उसको रिप्लेस करके एमएस पावर पॉइंट में क्या नाम दे दिए, डिजाइन टैब नाम दे दिए। तो जो काम वहां पेज लेआउट में हो रहा था, क्या हो रहा था, पेज सेटअप का काम हो रहा था। और पेज सेटअप में आपने देखा होगा आप क्या कर रहे थे, पेज का साइज चेंज कर रहे थे, लेटर कर रहे थे, लीगल कर रहे थे, और क्या कर रहे थे आप पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर रहे थे। तो ठीक उसी तरह से क्या होगा आपके स्लाइड में होगा।
तो ये बात कर लेते हैं यहां कि आपकी जो स्लाइड है तो वहां यहां पास साइज की बात होगी, तो यहां पास में क्या रहता है, यहां पास में आता है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो की बात होती है, एस्पेक्ट रेशियो की बात होती है, मतलब ये जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है ये किस साइज की है। तो यहां पास याद रखना कि जो एस्पेक्ट रेशियो होता है ये बाय डिफॉल्ट कितना होता है, बाय डिफॉल्ट होता है 4:3 होता है। क्या 4:3 होता है, ये आपका 4 है और ये आपका 3 है। इसके बाद में एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं 4:3 होता है, फिर एक होता है 16:9, एक होता है 16:10। तो याद रखना जितने भी आप YouTube वगैरह में देखते हो या सोशल मीडिया में जो आप पोस्ट करते हो उनका एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, वो होता है 16:9। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, और ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। तो स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है किसी भी स्लाइड का, स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 16:9 क्या होता है, 9 होता है, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 4:3 होता है। ये आपको समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद में क्या होता है, देखिए बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन की। जैसा कि हमने एमएस वर्ड में देखा था, सेम आपका क्या होगा, ओरिएंटेशन यहां भी होगा। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो जो आपका एमएस पावर पॉइंट है इसमें डिफॉल्ट रूप से क्या होता है, डिफॉल्ट रूप से आपका जो ओरिएंटेशन होता है वो होता है लैंडस्केप, मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से होता है। और जो आपका एमएस वर्ड था वहां कैसा था, वहां पास वर्टिकल इस प्रकार से था, और आपके एमएस पावर पॉइंट में कैसा है, हॉरिजॉन्टल, इसको हम क्या कहते हैं, लैंडस्केप। इसको नोट करिए, तो ये क्या हो गया आपका डिजाइन टैब। डिजाइन टैब के अंतर्गत हमने क्या क्या देख लिया, एस्पेक्ट रेशियो देखा। ये क्या होता है, जैसे आप एमएस वर्ड में पेज सेटअप कर रहे थे, पेज के साइज को चेंज कर रहे थे, लीगल कर रहे थे, लेटर कर रहे थे, उसी प्रकार से A3 A4 आपने देखा था, सेम आपके एमएस पावर पॉइंट में एस्पेक्ट रेशियो होता है, और आपका बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 4:3 होता है, और क्या क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड होता है 16:9। चलिए इसके बाद में क्या, आपने ओरिएंटेशन भी देख लिया। अब आपके इसके बाद में आता है अगली टैब, अगले टैब की ओर बढ़ते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। और अब देखिएगा कुछ चेंजेस होने वाला है, बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। कुछ आपको दिखाई दिया, देखिएगा जैसे ही मैं अगली अब स्लाइड में बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, तो यहां पास में आपको कुछ दिखाई दिया होगा। पहले आप यहां पास फिर से एक बार देखना क्या हुआ, देखिए अभी मैंने ये टैब चेंज कर रहा हूं, अभी हमने होम टैब ये वाला देखा था, होम टैब देखा था, आगे बढ़े तो हमने क्या डिजाइन टैब देखा। अब देखिए मैं अगली स्लाइड की ओर आगे बढ़ रहा हूं, तो एक बार में हटा और फिर क्या हुआ, ये इस प्रकार से ऐसे आगे बढ़ा, कैसे देखिएगा, ये देखिए ये डिजाइन टैब था, यहां से आगे बढ़ रहे हैं, ये हटा और ये आया। तो देखिए ये आपका क्या है, आपको देखना है, अब आपको देखना है ट्रांजिशन टैब, क्या देखना है, ट्रांजिशन टैब। देखिए ट्रांजिशन टैब क्या होता है, स्लाइड ट्रांजिशन एक स्लाइड शो में, क्या पढ़ रहे हो आप, ट्रांजिशन की बात कर रहे हो, तो ट्रांजिशन क्या होता है, स्लाइड ट्रांजिशन एक स्लाइड शो में स्लाइड को बदलने के तरीके को दर्शाता है। स्लाइड शो के दौरान प्रत्येक स्लाइड के बीच एक विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए ट्रांजिशन इफेक्ट का उपयोग किया जाता है, समझिएगा इसका मतलब क्या है, जो आपको लिखा हुआ इसका मतलब क्या है। आप क्या कर रहे हो, ये आपके पास में क्या है, एक प्रेजेंटेशन है, ये आपके पास में सॉरी प्रेजेंटेशन क्या, ये आपके पास में एक स्लाइड है, और इस स्लाइड के अंदर आपने क्या है, कुछ कुछ लिखा हुआ है, और कुछ एक आपके पास में क्या है, इमेज है, स्लाइड है, और स्लाइड के बाद में क्या है, आपके स्लाइड के अंदर कुछ लिखा हुआ है और कुछ इमेज है। अब आप क्या करना चाहते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन को, जो आप प्रेजेंटेशन जो दे रहे हो, जो आप प्रस्तुतिकरण दे रहे हो, इसको थोड़ा आप प्रभावकारी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, मतलब क्या, लोग देखे तो उनको थोड़ा सा मजा आए, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो बात कर लें। देखो ये आपका स्लाइड है और स्लाइड के अंदर कुछ लिखा हुआ है और कुछ इमेज है। जब क्या करते हो, जब आप अपनी स्लाइड के साथ में पूरी की पूरी स्लाइड में आप क्या करते हो, कुछ विशेष प्रभाव डालते हो, क्या करते हो आप अपनी इस स्लाइड में कुछ विशेष प्रभाव, विशेष प्रभाव का मतलब क्या होता है, किसी प्रकार का स्पेशियल इफेक्ट होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका ट्रांजिशन। क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्या, ट्रांजिशन। स्लाइड में डाला गया किसी प्रकार का विशेष प्रभाव क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है। तो इसमें क्या होगा कि जो कुछ भी आपको इसमें स्पेशल इफेक्ट दिखाई देगा वो आपके स्लाइड में दिखाई देगा,
और जो इसके अंदर लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ इमेज है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर से एक बार देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये हम आगे बढ़े तो हमारी इस स्लाइड में काम हुआ, जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इफेक्ट में जो था वैसे वैसा था, बस केवल क्या हुआ कि स्लाइड एक नए रूप से आई। तो जब कुछ भी आप क्या करोगे, किसी स्लाइड में कुछ विशेष इफेक्ट दोगे तो क्या होगा, वो आपका ट्रांजिशन कहलाएगा। ट्रांजिशन टैब के अंतर्गत आपको क्या क्या मिलता है, देखिए आपको जैसे कि एक मिल रहा है कट, फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट, इस प्रकार से क्या मिलते हैं आपको, मल्टीपल ट्रांजिशन मिलते हैं। मतलब आप अपनी स्लाइड को किस प्रकार का स्पेशल इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो क्या है, ये आपको इस प्रकार से उसके ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा होगा प्रीव्यू। प्रीव्यू क्या होता है कि आपने अपनी स्लाइड में जो ट्रांजिशन दिया है उसको आप रन करने के पहले एक बार देखना चाहते हो कि वो दिखता किस तरह से वो ट्रांजिशन। तो प्रीव्यू करोगे तो आपने जो भी ट्रांजिशन सेट किया है वो आपको एक बार देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपकी ट्रांजिशन टैब हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं, देखिएगा ये क्या है, एनिमेशन। अगला क्या है आपका, एनिमेशन टैब। देखो अभी मैंने आपको कुछ बताया था कि स्लाइड होती है और स्लाइड के अंदर क्या कुछ टेक्स्ट होता है या कुछ इमेज होती है, जो कुछ भी आपको आपने इसके अंदर रखा हुआ है। तो ट्रांजिशन में क्या होता है कि आप स्पेशल इफेक्ट, विशेष प्रभाव किसमें देंगे, पूरी की पूरी स्लाइड में देंगे। और एनिमेशन क्या होता है, जब आप स्पेशल इफेक्ट उस स्लाइड के अंदर जो लिखा हुआ है या जो इमेज बनी हुई है उसमें देंगे, तब क्या होता है वो एनिमेशन कहलाता है। तो देखिएगा ये देखिए, तो क्या हुआ, जो आपका टेक्स्ट था अब इसमें परिवर्तन हुआ, इसमें कुछ इफेक्ट आया। समझ में आया आपको, देखिएगा ये देखिए। तो इसकी पहले वाली स्लाइड में क्या हुआ था कि पूरी की पूरी स्लाइड जो थी आपकी उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट आया था। एनिमेशन में क्या होता है कि जो आपने स्लाइड के अंदर, ये जो आपके पास में एक स्लाइड है, ये क्या है आपकी स्लाइड है, तो स्लाइड के अंदर जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट या आपके पास में क्या है इमेज, तो इसमें आपके टेक्स्ट या इमेज में किसी प्रकार का विशेष इफेक्ट है, किसी प्रकार का विशेष क्या है आपका प्रभाव, क्या कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी टेक्स्ट या शब्द को स्थानांतरित करने या गति देने के लिए एनिमेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा, ये देखिए आपको एनिमेशन लिखाया है। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, जो टेक्स्ट था उसको कुछ स्पेशल इफेक्ट दे दिया, उसके अंदर कुछ मैंने मूवमेंट ला दिया, तो क्या कहलाएगा वो, एनिमेशन कहलाएगा। आ रहा है समझ में आपको। तो ट्रांजिशन और एनिमेशन में फर्क मालूम होना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है आपके सामने। तो ये क्या देख लिया आपने, एनिमेशन। अब इसके बाद में आपके पास में आता है स्लाइड शो टैब, एक नया टैब आ गया। स्लाइड शो का उपयोग हमारे द्वारा बनाई गई प्रस्तुति को एक एक करके फुल स्क्रीन पर देखने के लिए किया जाता है। स्लाइड शो को देखने के लिए F5 फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, F5 फंक्शन का उपयोग किया जाता है। वर्तमान स्लाइड से ही स्लाइड को देखने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा यहाँ पर क्या बता रहा है आपको, आपके पास में दो की आई, एक आपके पास में आया F5 और एक आपके पास में आया क्या, शिफ्ट प्लस F5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पास क्या है, आपको कंट्रोल नहीं शिफ्ट लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 देगा। तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, आप बात किसकी कर रहे हो, आप बात कर रहे हो स्लाइड शो की। किसकी बात कर रहे हो, स्लाइड शो की। स्लाइड शो में यहां पास देखिए, ध्यान देखिए क्या आ रहा है, एस आ रहा है, यहां भी क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो यहां क्या करना है, यहां भी आपको एस लेना है, यहां आपको कंट्रोल नहीं लेना है, यहां आप क्या लोगे, शिफ्ट लोगे। तो अब यहां से कंफ्यूजन आपको दूर होना चाहिए, क्या लेना है आपको, शिफ्ट प्लस F5। अब ये F5 और शिफ्ट प्लस F5 क्या होता है उसको देखिएगा, F5 का मतलब क्या होता है कि फ्रॉम बिगनिंग मतलब शुरुआत से, किसी भी स्लाइड शो को शुरुआत से। स्लाइड शो का मतलब क्या होता है कि आपने 4-5 स्लाइड बनाई और उस स्लाइड का समूह हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन बोलेंगे। तो अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार करी, उस प्रेजेंटेशन को क्या करना है, अब आपको लाइन बाय लाइन क्या करना है, उस प्रेजेंटेशन के अंदर जो भी आपके स्लाइड है उनको आपको दिखाना है। मतलब स्लाइड शो का मतलब क्या होता है, देखिए स्लाइड और शो, जो आपके स्लाइड है उनको शो करना है। तो क्या कहलाएगा आपका, स्लाइड शो कहलाएगा। तो सपोज मान लीजिए कि आपके पास में 5 स्लाइड है, तो क्या कर रहे हो, यदि आपको स्लाइड नंबर 1 से लेके 5 तक दिखाना है, 1 2 3 4 5 दिखाना है, तो क्या दबाओगे आप, F5 दबाओगे।
यदि मान लो कि आप क्या थे, वन और टू तक पहुंच चुके थे, टू पर क्या हुआ कि आपने उसको स्लाइड शो को आपने रोक दिया, अब क्या चाहते हो कि अब जो आपका स्लाइड शो है वो टू से आगे बढ़े ना कि शुरुआत से बढ़े, तो क्या करोगे आप शिफ्ट प्लस एफ फाइव दबाओगे। क्या कर दबाओगे आप? शिफ्ट प्लस एफ फाइव दबाओगे तो जो आपकी स्लाइड शो है वो एक से चालू ना होकर तीन से चालू होगी। आ रही समझ में आपको बात? तो शिफ्ट प्लस एफ फाइव क्या होगा कि क्या होगा आपका वर्तमान स्लाइड से हो रहा है क्लियर? तो F5 और शिफ्ट प्लस F5 क्या होता है? F5 होगा बिगिनिंग से और शिफ्ट क्या होगा आपके वर्तमान स्लाइड शो से स्लाइड को आगे बढ़ाना। चलिए ये क्या हो गया आपका स्लाइड शो हो गया। अब इसके बाद में आगे देखिए, सबसे अंतिम हमारे पास में आता है व्यू टैब। इसके पहले एक आता है रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब में कुछ नहीं है, जो कुछ भी आपको रिव्यू टैब में क्या होता है कि जो कुछ भी आपने टाइप किया है उसकी ग्रामर को चेक करना, उसकी स्पेलिंग को चेक करना, वो किस में आता है? आपका रिव्यू टैब में आता है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एमएस पावर पॉइंट में जहां से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है आपका व्यू टैब होता है। देखिए व्यू टैब होता क्या है, व्यू बटन में प्रेजेंटेशन व्यू मास्टर, व्यू टैब में प्रेजेंटेशन व्यू मास्टर व्यू जूम विंडो ऑप्शन आदि होते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पास इमेज दिखाई दे रही है ये किसकी है? आपके व्यू टैब की है। तो देखिए यहाँ पास में आपको एक ब्लॉक दिखाई दे रहा होगा प्रेजेंटेशन व्यू, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा मास्टर व्यू, इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा एक क्या ब्लॉक शो, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ब्लॉक जूम, और यहाँ पास एक आपको ब्लॉक दिख रहा है उसको हम बोलते हैं कलर या ग्रे स्केल। देखिए यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनते हैं? एक आपका बनता है प्रेजेंटेशन व्यू से, और एक आपका बनता है मास्टर व्यू से, और एक आपका बनता है किससे? जूम से। यही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, व्यू के अंतर्गत आप आ रहे हो प्रेजेंटेशन व्यू ब्लॉक के अंतर्गत, किसमें? प्रेजेंटेशन व्यू में आ रहे हो। तो प्रेजेंटेशन व्यू के अंतर्गत, व्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने प्रेजेंटेशन तैयार करी है या अपनी स्लाइड तैयार करी है उसको आपको देखना है। उसको क्या आपको देखना है? जैसे आप अपने एमएस वर्ड में आपने देखा था कि जो भी आपने पेज या डॉक्यूमेंट तैयार किया था उसको क्या करना है, तैयार होने के बाद में आपको देखना है। तो डिफरेंट तरीके होते हैं देखने की। वहां हमारे पास में कितने व्यू थे? पांच व्यू थे। किसमें? एमएस वर्ड में। तो यहां बात करते हैं कि एमएस पावर पॉइंट में कितने व्यू हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है आपके पास में? प्रेजेंटेशन व्यू। ये किसका अंतर्गत में है? ये व्यू के अंतर्गत में है, याद रखना ये व्यू के अंतर्गत में पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या है आपका? प्रेजेंटेशन व्यू। ये क्या है आपका? एक ब्लॉक या ग्रुप है। इसके अंतर्गत कितने व्यू आ रहे हैं वो देखो। एक आ रहा है नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, और एक होता है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। कितने हो गए? चार। फिर सेकंड नंबर पे आता है मास्टर व्यू। मास्टर व्यू के अंतर्गत कितने होते हैं? एक होता है स्लाइड मास्टर व्यू, एक होता है आपका हैंड आउट व्यू, और एक होता है नोट्स व्यू। हैंड आउट तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहां से आपको समझना क्या है, ये सारे के सारे व्यू आपको याद होने चाहिए कि आपके एमएस पावर पॉइंट में कितने व्यू होते हैं। तो आप बताओगे बेसिकली कितने होते हैं? दो होते हैं, एक होता है प्रेजेंटेशन और एक होता है आपका क्या? मास्टर व्यू। प्रेजेंटेशन के अंतर्गत कितने होते हैं आपके? चार होते हैं, और इसमें कितने होते हैं? तीन। तो कुल कितने हो गए आपके? सात व्यू हो गए। ये आपको समझ में आ रहा है? कितने टोटल आपके? सेवन व्यू हो गए, सेवन व्यू। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं, ये आपका नॉर्मल व्यू क्या होता है, स्लाइड शॉर्टर क्या होता है, नोट्स पेज क्या होता है, फुल स्क्रीन क्या होता है। ये आपको समझ में आ रहा है? चलिए सबसे पहले हम आते हैं किसमें? नॉर्मल व्यू में। ये नॉर्मल व्यू क्या होता है इसको देखिएगा। ये क्या होता है? डिफॉल्ट व्यू होता है। ये जो आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाए हैं तो प्रेजेंटेशन में जो आपका नॉर्मल व्यू है, सबसे पहले तो क्वेश्चन बन सकता है ये क्या होता है आपका? डिफॉल्ट व्यू होता है, मतलब ऑटोमेटिक ये एमएस पावर पॉइंट में ओपन होता है। डिफॉल्ट रूप से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड को नॉर्मल व्यू में खोलता है। इसके अंदर स्लाइड और आउटलाइन शो होते हैं, स्लाइड और आउटलाइन शो होते हैं। इसके बाद में आता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू प्रेजेंटेशन की स्लाइड को क्रम में, याद रखना कि जितनी भी आपने स्लाइड बनाई है, जितनी भी आपने स्लाइड बनाई है उन स्लाइड को आपको एक दो तीन चार पांच क्रम में आपको जमाना है। सपोज मान लीजिए कि इनका क्रम बिगड़ गया है, यदि इनका क्रम बिगड़ गया है तो आप कौन सा व्यू ओपन करोगे? स्लाइड शॉर्टर व्यू ओपन करोगे। और सपोज मान लीजिए एक था, यहाँ चार आ गया, यहाँ दो आ गया, यहाँ तीन आ गया, यहाँ छह आ गया, तो क्या करोगे आप? स्लाइड शॉर्टर व्यू ओपन करोगे। ओपन करने के बाद में वहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसको क्रम से जमाने का, तो आप उसको इस क्रम में जमा सकोगे। तो वो क्या होता है आपका? स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है। तो स्लाइड्स को क्रम में व्यवस्थित
व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू थंबनेल नामक स्लाइड के लघु संस्करण के एक क्षैतिज ग्रिड में प्रदर्शित होते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग सभी स्लाइड को एक एकल या छोटी स्क्रीन में देखने के लिए भी किया जाता है। इसका मतलब समझना, सपोज आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, उस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत कितनी है, 8 स्लाइड है। आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, उस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत कितनी स्लाइड है, 8। अब क्या करना है कि आपको आठों की आठों स्लाइड को एक बार में देखना है, तो आप क्या ओपन करोगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू ओपन करोगे एक बार में देखने के लिए। तो आपको क्या होगी, यहां सभी की सभी आपको आठों की आठों स्लाइड आपको एक बार में देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्या होगी, वो आपको इस प्रकार से छोटे छोटे थंबनेल के रूप में दिखाई देगी। समझ रहे हो, तो ये क्या हो गया, आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास में लास्ट आता है मास्टर व्यू। मास्टर व्यू में क्या होता है, स्लाइड मास्टर, याद रखना मास्टर व्यू के अंतर्गत, ध्यान दीजिए कि यहां पास ये आपका डायग्राम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है, मास्टर व्यू है। और इस मास्टर व्यू के अंतर्गत कितने आपको व्यू देखने को मिल रहे हैं, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट और नोट्स। इसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनता है वो होता है आपका स्लाइड मास्टर। क्या होता है, स्लाइड मास्टर, ये पढ़ना है आपको क्या, स्लाइड मास्टर। तो देखिए स्लाइड मास्टर क्या होता है, ये देखिए स्लाइड मास्टर व्यू के अंतर्गत क्या आपका मास्टर व्यू में स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर होते हैं। स्लाइड मास्टर क्या होता है, इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स, याद रखना क्या, सभी स्लाइड्स में समान रूप से बदलाव करने के लिए उपयोग किया जाता है। सपोज मान लीजिए कि आपके पास में एक प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन में आपके पास में क्या है, आपके पास में उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते आपके पास में 20 स्लाइड है। अब क्या करना है कि आपको ना सभी स्लाइड में क्या करना है, उसके बैकग्राउंड कलर में क्या करना है, कुछ चेंज करना है, एक साथ सबकी सब 1 से लेकर 20 तक में चेंज करना है। तो आप क्या चुनोगे, आप पकड़ोगे स्लाइड सॉर्टर व्यू को ओपन करोगे, तो इस प्रकार से आपके यहां पास में ये दिखा देगा, इस प्रकार से आपको ये डार्क कर देगा। तो ये क्या होगा, आपका स्लाइड मास्टर होगा। तो इस स्लाइड में आप जो कुछ भी चेंजेस करोगे, तो ये जो किया गया चेंजेस होगा, ये आपके पूरी की पूरी 20 स्लाइड में चेंज कर देगा। तो ध्यान रखना कि एक बार में आपको सभी स्लाइड में कुछ ना कुछ चेंजेस करना है, तो किसके माध्यम से करोगे आप, स्लाइड मास्टर के माध्यम से आप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए यहां पास में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा क्या, आपका जूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको 3-4 पॉइंट यहां पास से नोट करना है। सबसे पहले क्या नोट करना है, आपको जूम देखना है। तो देखिए आपके एमएस पावर पॉइंट में जूम एक होगा मिनिमम और ये होगा आपका मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना होता है ये आप बताओगे, 10%। मैक्सिमम कितना होता है आपका, 400%। याद रखना एमएस वर्ड में 500% था मैक्सिमम, लेकिन आपके एमएस पावर पॉइंट में कितना है, 400% है। और डिफॉल्ट रूप से कितना होता है, बाय डिफॉल्ट जो होता है ये होता है 69%। कितना होता है, 69%। किसी किसी वर्जन में 73% भी ले लेता है, आपके एमएस 2016 के जो वर्जन होते हैं उसमें 73% भी ले लेता है, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, 69% क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज होता है। इसके बाद में एक आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या, आपका फॉन्ट टाइप। तो ये जो आपका फॉन्ट टाइप, मतलब क्या, जो आप फॉन्ट लिख रहे हैं उसकी शैली, तो ये डिफॉल्ट शैली क्या होती है, आपके एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट शैली होती है कैलिब्री। और आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है फॉन्ट साइज। तो ये क्या होता है, ये मिनिमम कितना होता है, एक पॉइंट होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 4000 पॉइंट होता है। मिनिमम एक पॉइंट होता है और मैक्सिमम 4000 पॉइंट होता है। कहीं कहीं आपको 3600 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो दोनों ही होता है, लेकिन क्या करना है, आपको 4000 को प्रेफरेंस देना है। इसके बाद में यहाँ पास में आपको और चीज ध्यान में रखना है कि जो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है फॉन्ट साइज का, वो कहाँ से शुरू होता है, वो आपका शुरू होता है किससे, शायद 8 से शुरू होकर 96 पे जाता है। कितने, 96 पे जाता है। तो आपको याद रखना कि डिफॉल्ट रूप से जो फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है, 18 पॉइंट। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका एमएस पावर पॉइंट यहां आपका आज पूरा समाप्त होता है। इससे अधिक बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा।
तो अब हमारा क्या क्या कवर हो गया, एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड हो गया और एमएस पावर पॉइंट हो गया। तो चलिए अपनी अगली क्लास में हम कवर करेंगे एमएस एक्सेल को, और इसी के साथ क्या होगा हमारा एमएस ऑफिस का जो पोर्शन है वो पूरा समाप्त होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, टाटा, गुड बाय।